मेरे से शुरुआत हो रही है। एक चार्ज गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। और हम आज का जो हमारा प्लान है वो ये है कि आज हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आज हमारा काम बहुत कम था तो आज हम घर से ही कर रहे हैं और आज घर में ही हमारा चलेगा। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और अभी मेरे दिमाग में ये है कि आज मैंने कुछ नया खाने को बनाना है, मेरा बहुत मन कर रहा है। और कुछ मतलब मैंने कुरकुरे लेके आया हूँ, कुरकुरे लाया हूँ, इससे मैं आज कुछ बनाने वाला हूँ। और आलू के परांठे भी मैं बना रहा हूँ। और शुभम ये प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि आज हमने सोचा है आज हम एक शॉर्ट्स या फिर व्लॉग में भी कुछ लेंगे, क्योंकि जो हमारे घर के बच्चे हैं अटकू निक्कू वगैरह वो भी बता रहे थे कि हम एक चैलेंज करते हैं। तो आज चैलेंज होने वाला है, आप देखना, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि चैलेंज में सारे होंगे, है ना, सारे होंगे। अक्की भी होगा, निक्कू भी होगा, किट्टू भी होगा, माही भी होगी, मैं भी होगा, शुभम भी होगा, मीनाक्षी भी होगी और विनर मैं ही रहूंगा। और गाइस जो जीतेगा उसको मिलेगा ढेर सारा खाने के लिए। लेकिन सबसे पहले गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम घर पे हैं, जैसे कि कुल्लू ने बता दिया होगा, तो आज हम घर पे चली करने वाले हैं क्योंकि मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी और आज मेरी छुट्टी थी, तो मैंने इन दोनों को भी आज घर पे रुकवा दिया है। और आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव जाने वाला है क्योंकि आज शुभम और कुल्लू कुकिंग करने वाले हैं। कुल्लू आज लाइफ में पहली बार आलू के परांठे बना रहा है और ये दोनों ना ऑफिस जा रहे थे। कुल्लू तो सबसे पहले एक काम कर, गाड़ी में जो टिफिन रखा है ना उसको बाहर से लेकर आ, मैं टिफिन तक छोड़ दिया था गाड़ी में, ठीक है, पर बाद में फिर मन नहीं किया तो कब का रखा हुआ, अब 2 घंटे हो गए टिफिन को रखे हुए, खराब ना हो जाए। ये रहा टिफिन, सो यार था यहाँ पे। क्या अनाउंस करना है, क्या अनाउंस करना है? तो गाइस काफी दिनों से सोच भी रही थी ब्लॉग में एक चीज अनाउंस करने के लिए कि कोई ना कुलदीप की फेक आईडीज बना रहा है इंस्टाग्राम पे। और आई थिंक कितनी बन गई है, 7-8 इसकी आईडी बना दी है लास्ट 4-5 मंथ्स में, ठीक है। और उसमें क्या है कि पहले तो वो आईडी न्यू बना के जो कुलदीप का जैसे ऑफिस वाले लोग हैं उनको ही मैसेज कर रहा था, उनसे पैसे मांग रहा था, ठीक है। लेकिन अब उसने नया शुरुआत कर दिया, जो इस वाली रिसेंटली आईडी बनाई है उन्होंने, वो क्या कर रहा है कि जो हमारे अब जो हम ऑफिस की नहीं लड़कियां, जो मतलब हमारे गांव साइड की लड़कियां हैं, जो हमारे मतलब फ्रेंड्स हैं, कुल्लू की फ्रेंड्स हैं, उनको अब्यूजिव लैंग्वेज अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहा है। तो वैसे तो हमने कंप्लेन कर दी है, जल्दी पता चल जाएगा कि हरकत कौन कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों में से किसी को भी कुल्लू के फ्रेंड्स या हमारे रिश्तेदार फैमिली किसी को भी ऐसे किसी फेक आईडी से मैसेज आते हैं पैसे मांगने के लिए या कोई गालियां देता है तो वो कुल्लू नहीं होगा, आप हम कुल्लू से कॉन्टेक्ट कर लेना कि ये कौन है, ठीक है। तो हमने कंप्लेन कर दी है, जल्दी पता चल जाएगा, अब देखते हैं कब तक मतलब हमें पता चलता है कि ये कौन है। मेरे को फालतू में ही ठरकी बॉय बना रखा है, वही ठरकी बॉय नहीं है, ठीक है, क्योंकि वी आर क्लासी। अगर कोई भी मैसेज करे तो उसका रिप्लाई मत करो, इग्नोर करो, मैं एक ही आईडी चलाता हूँ और जो आईडी चलाता हूँ वो आपको पता भी होगा कौन सी आईडी है, कुलदीप शर्मा 0640। इसने और क्या किया है कि जो मेरा पेज है उसमें भी मुझे एक नोटिफिकेशन करा था कि आपके पास सिर्फ 7 घंटे आपका पेज बंद होने वाला है ना शुभम, मैं कितनी डर गई थी उससे। वो भी कुल्लू बाद में पता क्या पता चला कि वो कोई इंसान था, उसने सिर्फ एक नोटिफिकेशन ऐसे डाली है कि आपका पेज जो आपकी वीडियो बंद हो जाएगा आपका ऐसा, मतलब इतनी कोई हम मेरे और कुल्लू दोनों की आईडीज के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा है, तो हमने इस बारे में कंप्लेंट कर दिया। लेट्स सी कौन होगा यार। तो ये सारी चीजें हो रही है, मेरे को ना एक लड़की मैसेज करती कि आप कितने ठरकी हो, मतलब स्क्रीनशॉट भेज। हाँ, जो भी औरों को तो ऐसे ही लगेगा कि हाँ। जिस लड़की को तो ऐसा लगेगा कि यार रियल में तो ऐसे नहीं है, ऐसे कैसे मैसेज कर सकता है। नहीं तो बोलेंगे यार, मतलब जो चीजें हो रही है, कोई पैसे मांग रहा है वो तो गलत है ना, तो मतलब ये है कि ठरकी जो ये ठरकी पंथी वाले मैसेज आ रहे हैं, अगर ऐसे आ रहे हैं तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है, मेरे मैसेज कभी ऐसे आएंगे ही नहीं, मैं विश करने के लिए मैसेज करूंगा, वैसे हर किसी को मैं मैसेज नहीं करूंगा, जो मेरे नोन है अगर उनके साथ ये चीज हो रही है तो सॉरी, पर इसमें मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो बस हमें ये चीज अनाउंस करनी थी। तो गाइस दोनों आज किचन संभाल रहे हैं और आज मैं स्पेशल बनाने वाला हूँ। गाइस रुक रुको, वेट वेट वेट, और किचन संभालने के बाद काम क्या कर रहे हैं, किचन संभालने में कुरकुरे के लिए प्याज और टमाटर काट रहे हैं, ये इनका किचन संभालना। तो आज मैं स्पेशल बनाने वाला हूँ तड़का कुरकुरा।
गाइस देखो, जब एक लड़की किचन संभालती है तो वो बनाती है चपाती, दाल, सब्जी, चावल, और जब लड़के किचन संभालते हैं तो वो क्या करते हैं, कुरकुरे में प्याज और टमाटर करते हैं। उसके लिए इतना एक्साइटेड हो जाते हैं। ओवर एक्टिंग के दोस्तों। लबा के कितने 800 रुपए ऐसे ऐसे प्याज में 50 काटती हूँ दिन में। यार इस चाकू की ना धार थोड़ी कम सी हो गई। तू क्या काट रहा है गुल्लू? टमाटर तो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया ना, मैंने ये देखा है, मतलब कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने यूट्यूब में देखा है या किसी की रील देखी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये था कि हम एक दो दिन से कुरकुरा ज्यादा खा रहे हैं, तो घर में कुरकुरा पड़े थे, मैं कह यार खाने का मन कर रहा है पर खा नहीं जा रहा है, मेरा तो देखने का मन भी नहीं कर रहा है। मैंने थोड़ा इसको चेंज करने के लिए, ये भाई रो गया, आज तो पहला ही दिन है किचन का, अभी तो शादी को 2-3 महीने ही हुए हैं, 2-3 साल होते तो भी मानते हैं। चलो जब बन जाएगा तो मुझे बुला लो। ओके गाइस, बाय बाय। सो हमारे कुरकुरे हो चुके हैं एकदम तैयार। कैसे टेस्ट किए तूने? बट अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट मैं करने वाला हूँ, ठीक है कुल्लू? वो बोतल फ्लिप वाला सुना तूने? हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बोतल फ्लिप करने वाले, ठीक है मीनाक्षी? ये जो छोटी सी बोतल है, हम लोग इस बोतल को फ्लिप करेंगे और जिसकी बोतल खड़ी होती रहेगी, जिसकी बोतल खड़ी होती रहेगी सिर्फ वही खाएगा कुरकुरे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करते हैं। तो गाइस हमारा बोतल फ्लिप चैलेंज शुरू हो रहा है। जिसका ऐसे होगा, जिसका मतलब बोतल ऐसे होगा, क्या बोलते हैं इसको, जिसका बोतल ऐसे खड़ा हो जाएगा वो एक स्पून खाएगा और फिर जब उसके अंदर डालना है कभी खाएगा। मेरे से शुरुआत हो रही है। एक चार थोड़ा खुद क्या, हम तो थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, शुभम की बात है। तो जल्दी जल्दी करो, अब जल्दी करना जैसे इसका टर्न आ जाए, तू जल्दी कर, मेरी तो आई नहीं है। यार मजा आ रहा है। अब जो भी चीज खाएंगे ना वो खाएंगे, ठीक है? अभी तक ये खाया ना तीनों। ओ यार लास्ट ही बचा है गाइस, इस बार मेरा आना चाहिए। थोड़ा भरे वो यार, ये चीजें मैंने देखी थी यूट्यूब के अंदर, पर करने में ज्यादा मजा आया है ना। बहुत मजा, अब ऐसे ही खाएंगे सारी चीजें।
तो भाई ये देखो दादी और शुभम यहाँ पे अखरोट तोड़ रहे हैं। मुझे भी दो भाई, मुझे लगा चीज खाई जा। नहीं हमने नहीं खाया। अच्छा अच्छा इतने इतनी बड़ी प्लेट क्यों लेकर आए तुम भाई? सारे तोड़ देंगे आज ही? हाँ, तोड़ के रख लेते हैं ना फिर खाते रहेंगे। ठीक है तोड़ दे। देखा मैंने खा तो नहीं लिया भाई, वो ही तो नहीं खाया तूने। क्या पता मुझे, तुमने पहले क्यों नहीं देखा? कहाँ है कीड़ा? ये जो फुई फुई सी लगी है इसके अंदर कीड़ा ही है। ओ हाँ ये है, ये सो रहा है गाइस। ये देखो डेड स्नेक। डेड स्नेक तूने खा तो नहीं लिया ये वाला? यार सुबह मैं तुमको बताऊंगी फिर, अगर मेरे को कुछ हुआ तो। तुम यहाँ रखे जा रहे हो तो मैं तो सोच रही हूँ देख के रख रहे हो। गाइस ये देखो मैंने आधा पार्ट इसका खा भी लिया। ये था यार शायद मेरे को लग रहा है। ये नहीं यार मुझे बहुत कड़वा लग रहा है पता है इस टाइम सच में। अब इससे जोड़ के देखने पड़ेंगे। लो पकड़ो इसको कुल्लू। गाइस यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हुई? अरे सच में हमने तो निकाला अभी तो खोला यार आपके गाइस मेरा एटीएम आया और एटीएम के अंदर ये देखो मेरी बात सुनो ये अभी नहीं फाड़ा आपके सामने और गाइस इसको मत दिखाया गाइस। अगर किसी को पता है कि ये क्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताना वरना मैं बता देती हूँ। ये प्याज है, प्याज की सब्जी बनती है और आज मेरी आज दादी ने ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया है। मतलब दादी को आज मैंने आज मेरी स्पेशल डिमांड में ये दादी ने बनाया है क्योंकि ये सब मेरे को दादी के हाथों का ही पसंद है प्याजा। तो गाइस हमारा डिनर हो चुका है और अब हम सोने जा रहे हैं। तो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग और लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर देना। ठीक है ओके बाय बाय गुड नाइट।